वीडियो कुछ तुम्हारा ऐसा हो तो बोरिंग लगता है, पर ऐसा हो तो मजेदार। तो सबसे पहले आपको पेपर ओवरलिस्ट को इंपोर्ट कर देना है, उसके बाद यहाँ पर टेक्स्ट वाले ऑप्शन पे चले जाना है। उसके बाद यहाँ पर आपका जो भी मर्जी करे टेक्स्ट लिखने का वो लिख देना है, और उसको अच्छा सा एनिमेट और फॉन्ट सिलेक्ट कर देना है, क्योंकि ज़्यादा बेहतर लगे और वीडियो में एक अलग से दिख जाए। यहाँ पर से उसको कैरेक्टर को थोड़ा लंबा कर देना है, इसलिए वीडियो में ज़्यादा और भी सिनेमेटिक लुक आ जाए। हम यहाँ पर देंगे उसको इन एनिमेशन इफेक्ट, इसलिए वीडियो में ज़्यादा बेहतर लुक आए और वो भी अपने वीडियो के मुताबिक। और हम यहाँ से देंगे उसको आउट एनिमेशन इफेक्ट। अब बात करते हैं आपका चाहे वीडियो हो या फिर कोई भी फोटो हो, उसको अच्छा सा कैसे दिखाए। तो मेरा एक फ़ोटो ले लिया है मैंने, अब उसको एनिमेशन देंगे इन एनिमेशन। और आउट एनिमेशन देंगे हम, इसीलिए वीडियो में और भी ज़्यादा बेहतरीन बन जाए, और वो भी अपने फोटो और वीडियो के मुताबिक एनिमेशन दे देना है। अगर मत अच्छा लगे तो मत देना। अब हमें एक ओवरलेस तो इम्पोर्ट कर दिया है, पर हमें लगता है कि दूसरे ओवरलेस यानी कि ब्लैक ओवरलेस को इम्पोर्ट कर लेना है, और यहाँ पर से इसको फुल स्क्रीन पे कर देना है। और यहाँ पर हम चेंज करेंगे उसका ब्लेंडिंग मोड, स्क्रीन कर देना है। अब बात करते हैं कि आपके ओवरलेस को कुछ बेहतर लिए थोड़ा एडजस्टमेंट कर लेना है। जैसे कि मैं यहाँ पर ओवरलेस बहुत ब्राइट था, तो मैं यहाँ पर थोड़ा ब्राइटनेस को कम करता हूँ, इसलिए वीडियो में और भी ज़्यादा अच्छा लुक आए। अब बात करते हैं साउंड इफेक्ट के बारे में। ज़्यादातर आपको पता ही होगा कि साउंड इफेक्ट वीडियो में बहुत ज़रूरी है। यहाँ पर हम तीन साउंड इफेक्ट यूज़ करने वाले हैं। पहला है डिजिटल टेक्स्ट साउंड इफेक्ट, दूसरा है माउस क्लिक, और तीसरा है वॉइस इफेक्ट। यहाँ पर मोस्ट इम्पोर्टेंट है टाइमर। आपको साउंड इफेक्ट को टाइमलाइन पे सेट कर लेना है, ज़्यादा ज़रूरी है ये, क्योंकि वीडियो आपका बेकार होने वाला है, इसलिए यूज़ करना। यहाँ पर दूसरा है वॉइस इफेक्ट, और उसको भी टाइमलाइन के अकॉर्डिंग थोड़ा एडजस्ट कर लेना है। वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक और एक प्यारा सा कमेंट कर देना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए ये ओवरलेस की प्लेलिस्ट आपके लिए बहुत काम की है। यहाँ पर मैंने बताया कि आप किस तरीके से इसको डाउनलोड कर सकते हैं, वरना आपके लिए ये वाला वीडियो बेस्ट है।